हेलो दोस्तों, आज हम आपको पेंसिल पेंट बनाना सिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे कटिंग करते हैं उसका। तो ये देखिए, सबसे पहले ना तो हमारा लेंथ है 35.5, लंबाई 35.5, थाई से है 24 और नीचे मोरी है 12 इंच, कमर है 30 इंच। हमें इसमें लूजिंग देनी है थाइज में। तो देखिए हम कैसे इसको काटते हैं। तो सबसे पहले एक कपड़ा लेंगे, कपड़े को हम क्योंकि हमारा लंबाई कम है, थोड़ा एंकल लेंथ है तो उसकी लंबाई कम है, मैं इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे, फिर इसको बाद है कि यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे, फिर हम इसको आसन के हिसाब से, तो हम इसका आसन डाउन करेंगे 11.5। उसके बाद हमें 19, 19.5 पे, 19.5 पे निशान लगा देना, और यहाँ हमें लंबाई चाहिए 35.5 इंच। तो 35.5 इंच पे निशान लगा दिए क्योंकि 1 इंच और ऊपर हम अलग से लेंगे। उसके बाद हम इसको स्केल के इससे माध्यम से सीधा कर लेंगे। हमें यहाँ 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है फोल्ड के लिए, 2 सवा 2 इंच, 2.25 इंच आप रख लीजिए, 2.25 इंच हम यहाँ से मार्जिन छोड़ लेंगे। इसके बाद हमें थाइज के निशान लगाना है। तो थाइज हमारा है 25, 25.5, 1.5 इंच लूजिंग लेंगे, 25.5 इंच। तो हम इसको 25 इंच पे निशान लगा लेंगे, 12.5। हम उसका आधा कर लेंगे, 12.5 का 6.25 इंच, 6.25 इंच पे यहाँ एक निशान लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे सेंटर के लिए। हम इसको फिर यहाँ सेंटर डार्ट के लिए एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह, ये हो गया हमारे सेंटर। अब यहाँ पे रखना है 11 इंच, सॉरी 12 इंच। तो 12 इंच को हम 12 इंच पे ही निशान लगा देंगे, जो कि हमारे सिलाई में भी जाएगा तो पीछे वाला पल्ला जो होगा वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह इधर थोड़ा बड़ा रखेंगे, जब फोल्ड होगा तो इक्वल मतलब बराबर आ जाएगा। इसको फिर हम स्केल के हिसाब से ऐसे मिला देंगे इधर, और फिर इधर भी हमें ऐसे करना है। उसके बाद हमें इस तरह रख के और यहाँ जब आएंगे तो इस तरह स्केल रखना है। हो गया हमारा, और फिर हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप है 40 इंच, तो 40 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे 40 इंच, 40 मतलब कि आपका हो गया हाँ 40 इंच। 10.5 इंच पे ऐसे लगाएंगे मार्जिन से, 20 इंच पे मतलब सारा टोटल लेके आ जाएगा। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे, 10.5 इंच हो गया। हमारा कमर है 30 इंच, तो 30 इंच को हम यहाँ पे 16 इंच,
16 इंच पे निशान यहाँ पे हम लगा देंगे, 8 इंच, सवा 8 इंच पे निशान लगा दिए, फिर वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। जब गांठ डालेंगे वो फिर हम इसको यहाँ से ऐसे इस तरह लगा, फिर इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा पैंट का निशान लग गया हुआ है। तो नाप के हिसाब से जैसे भी हो आपको, तो उसी हिसाब से आप काट सकते हैं। जो मेरा नाप है मैंने उसी हिसाब से इसको रखा हुआ है और निशान लगाया हुआ, फिर हम इसको कट कर लेते हैं निशान पे। इस साइड का भी कट नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे पीस जब रखेंगे तो साथ में कट जाएगा। तो हम दोबारा ऐसे इस तरह से दूसरे पीस को रख देंगे और हमें यहां से का मार्जिन फालतू लेना है, 2 इंच इधर, 2 इंच यहाँ, और यहाँ आते थोड़ा कम कर देना है, 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच और यहाँ भी 1.5 इंच। मतलब कि हमें जब घुटने से नीचे आएंगे तो 1.5 इंच कर देना है और यहाँ 2 इंच रख देना है। उससे हमें यहाँ नीचे कम चाहिए, ऊपर थोड़ा मार्जिन ज़्यादा चाहिए। फिर हम इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। फिर हमें चाहिए यहाँ इसके लिए बैक आसन पे निशान लगाने के लिए। तो बैक आसन में हम इस तरह से यहाँ से 1.25 इंच, 1.25 इंच के करीब में यहाँ निशान लगा के हम 1 इंच पे यहाँ से बिल्कुल सीधी निशान लगा देंगे, सीधा निशान लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कैसे इसको इसको मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद हम इस वाले से बैक वाले में ऐसे कर देंगे। फिर हमें यहाँ से 2 इंच फालतू हमें लेना है। तो 2 इंच कैसे पता करेंगे, तो ऐसे करने से ये, और इसको हम यहाँ से 2 इंच हम यहाँ पे दे देंगे। फिर हम इसको इस तरह मिला देंगे। ठीक है, फिर हम इस निशान पे इसको कट कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारा पैंट कट के तैयार हो गया हुआ है और साइड में हम यहाँ अगर स्लिट दे सकते हैं तो दे भी सकते हैं, इस तरह से 1.5 इंच का स्लिट हो जाता है। वो तो अपनी मर्जी है, देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।